मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल। मनी हंस क्यों रहे हो? मैं क्या हंस रहा हूँ? तो मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी। मटन पनीर? मटर। तो यहाँ पे कुकर में चढ़ा हुआ है अभी मटर और पनीर, और यहाँ पे मनी के प्यारे प्यारे हाथों से बन रहे हैं पराठे। नहीं पूरी, नहीं रोटी। ऐसा नहीं लग रहा जैसे मतलब कोरोना फिर से वापस आ गया? घर में बैठे रहो और कुछ कुछ खाते रहो। बाहर इतनी ज्यादा ठंड है ना, इतनी ज्यादा ठंड है। सुबह के 10 बज चुके हैं, अंजलि ने अभी ऑफिस जाना है और मैं तो हिल नहीं रहा हूँ। मैंने उसके लिए कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा कि ज्यादा रात को जो केक लेके आई है ना ऑफिस से, वो खाओ और ऑफिस जाओ। दोपहर में आपके लिए गर्मा गर्म कुछ खाना बना के भेजूंगा। तो अभी वो ब्रश व्रश कर रही है, मैं इधर बैठा हूँ। मैं किचन में गया था, मैंने आटा का डब्बा निकाला, बाहर रख दिया। तो देखा भाई इतनी ठंड है, मतलब ये हाथ तो पूरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना। तो मैंने डब्बा फिर से फ्रिज के अंदर ही रख दिया और आया। मैंने देखा कोई ऑप्शन देखता हूँ। एक ऑप्शन था हमारे पास नमकीन थी, हम ये भी खा सकते हैं। ये शादी वाली नमकीन है, शक्कर पारा, यहाँ पे ही चलता है। तो मेरी जो मैडम है ना, जो मेरे साथ में बैठते हैं, वो शादी की मिठाई लेके आए ना ये, तो भी थोड़ा सा मैं ये खिलाऊंगा है ना, और थोड़ा सा ये, और काम बन जाएगा हमारा। मूली के पराठे बनाने वाला था, मैं लानी कैंसिल कर दिया। वो चली जाएगी ऑफिस, छोड़ के आऊँगा, आगे ले जाएंगे उसके, सो जाऊँगा 2 घंटे। आज संडे, आज फुल छुट्टी गई, मतलब फुल रेस्ट हो। आई थिंक रणवीर भी आने वाला है, यू नो इज कमिंग, तो हम दोनों आएगा वो, तो फिर पराठे बनाए खाएंगे, यही होगा। लेटेंगे, मूवी शूवी देखेंगे, यही सब होगा। ओके गाइज, तो आज है संडे एंड अंजलि ने जाना ऑफिस। मेरी तो छुट्टी भी 3 दिन से रेगुलर छुट्टी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे कंपनी से निकाल तो नहीं दिया, ऐसा सीन हो गया, बट ऐसा नहीं है। अंजलि ना आ रही है, बड़ा टाइम लग गया। आइए मेहरबा, वाह क्या मस्त ठंड है यार, कितनी अच्छी धुंध है और क्या मस्त लोकेशन। ऐसा लग रहा है जैसे है? नीचे काम वाले आने वाले थे, सफाई वाले आए नहीं। ओह, हमारा जो रूम ओनर है ना, मतलब बिल्डिंग के जो मालिक हैं, वो गए छुट्टी पे 2 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा था कि साफ़ सफाई के लिए आएगी लेडी, वो साफ़ सफाई करके चली जाएगी। मैं क्या ओके, मैं गेट खोल दिया, बट वो आई नहीं। मुझे लगता वो आके चली भी गई होगी। मैंने पता है गेट कितने बजे खोला है? 9 बजे। उन्होंने कहा था कि 8 बजे खोल देना। भाई 8 बजे आँख कहाँ खुलती है, संडे को, मंडे होता तो मैं खोल भी देता। कल खोल दूँगा 8 बजे गेट, है ना। कहाँ अंजलि, ठंडा तो ना लगता हो? बाहर आ जाओ। तो अंजलि ने ना कल रात को ही नहा लिया, मैंने इसको आइडिया दिया था सुबह से, तू ऐसे ऐसे कर करके जाएगी ऑफिस है ना कांपते हुए, इससे अच्छा रात में तुम नहा लो, रात में नहा लो और रजाई के अंदर घुस के सो जाओ। वैसा ही इसने किया। शूज के अंदर का कलर होगा बाबू। कैमरामैन रेडी है, खाइए खाइए। क्या खा रही हैं आप? क्या हुआ? कैसा लगा? कैसा लगा अंजलि? कैसा 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 बताओ तुम मुझे, कैसा? पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी? पार्ले जी का ही तो नहीं बना दिया घोर घर के। सो फ्रेंड्स, ऑफिस से मेरी छुट्टी हो गई और आज है क्रिसमस। तो मैरी क्रिसमस आप सभी को। और आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल। मनी हंस क्यों रहे हो? मैं क्या हंस रहा हूँ? तो मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्जी। मटन पनीर? मटर पनीर, मुझे मटन पनीर सुनाई दे रहा है। पूरी। तो उसके लिए ये रहा मटर। जैसे कि आप लोगों को पता है मनी की आज छुट्टी है, तो इन्होंने तैयारी कर रखा है।
ये सारा कुछ रेडी है और ये रहा दूध जिसका हम अभी खीर बनाएंगे और ये रहा आटा जिसका हम अभी पूरी बनाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं और पनीर तो लेके आइए। पनीर बिल्कुल नहीं तो पता लगे मटर का सब्जी बन रहा है। ये रहा पनीर। पनीर तो मैं ही काटूंगी। नहीं मैं काटूंगी। जल्दी बना लो बस, काटा हुआ बाद में होगा। तो यहाँ पे कुकर में चढ़ा हुआ है अभी मटर और पनीर और यहाँ पे मनी के प्यारे प्यारे हाथों से बन रहे पराठे। नहीं पूरी नहीं रोटी। क्या बन क्या रहा है, रोटी पूरी की क्या पराठा? जो बन जाए वो खा लेना। वाह वाह मस्त तेरा। तेल हो गया गरम। मैं तलूंगी ना। इतना ना कुकर सीटी मारता है कि कान फट जाता है। और यहाँ पे एक पूरी बन के तैयार हो गया। शायद ये पूरा फूल जाए। खुल गया पूरी पूरा। पहले लाइट ऑन करते हैं। तो ये रहा मटर पनीर की सब्जी पूरी और अचार। तो आज रात का डिनर जो है वो मनी ने तैयार किया है। गर्मा गर्म मटर पनीर की सब्जी पूरी और खीर भी बनने वाला था बट उसको हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि मन नहीं था। मीठा मीठा वैसे ही बहुत कुछ खा लिया है। मनी खड़ा होके बस सुन रहे थे क्या खा रहे? अंदर आइए ना।